मित्रों, आज आपके चैनल पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो कि 9, 10 व 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित होने जा रहा है। यह 3 दिवसीय समिट राजस्थान सरकार के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस समिट का मकसद देश विदेश की कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राजस्थान में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना है। इस समिट में इन क्षेत्रों पर विशेष सत्र आयोजित होंगे, जैसे कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो और ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन, ESDM, IT और ITS। इस त्रिदिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश विदेश की बड़ी छोटी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना है। दोस्तों, राजस्थान में होने वाले इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट में पहली बार 25 देशों की भागीदारी होगी। इन सभी देशों ने समिट में आने की स्वीकृति दे दी है। इनमें कई मंत्री, राजदूत और बड़े व्यापारिक संगठन आएंगे। इससे इन देशों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा निवेश आने के राह आसान हो गई है। प्रदेश के उद्योगपति और बड़े व्यापारियों के लिए आयात निर्यात का दायरा भी फैलेगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्तर पर इन्हें आमंत्रित किया गया है और विदेश मंत्रालय भी लगातार संपर्क में है। अब तक 18 लाख करोड़ के हुए MOU, 3 लाख करोड़ के MOU अकेले UAE ने किए हैं। 70% निवेश ऊर्जा क्षेत्र में होगा कुल MOU में से। 8 देशों में उद्योगपति निवेशकों से मिलने गए मुख्यमंत्री और मंत्री। 21 नई पॉलिसी जल्द होंगी लॉन्च, जिससे निवेशक आसानी से निवेश कर पाए। ये देश होंगे शामिल जापान, डेनमार्क, मलेशिया, स्पेन, दक्षिणी कोरिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, क्यूबा, इजिप्ट, फिनलैंड, USA, जर्मनी, हंगरी, नीदरलैंड, नामीबिया, UAE, पोलैंड, कतर, रूस, सिंगापुर, मोरक्को, अर्जेंटीना, कोस्टा रिका व नेपाल। 25 देशों ने मंजूरी दे दी है। अन्य देशों में भी बात कर रहे हैं। इससे प्रदेश के उद्योगपति व्यवसायियों के लिए आयात निर्यात का दायरा भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।